हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को चंडीगढ़ पुलिस ने लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की का पीछा करने और छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने विकास बराला को गिरफ्तार किया है। घटना बीती देर रात करीब 12:30 बजे की है। पीड़ित लड़की के बयानों के अनुसार विकास और उसके साथी ने चंडीगढ़ सेक्टर 7 पेट्रोल पंप से उसका पीछा करना शुरू किया। शराब के नशे में चूर आरोपियों ने अपनी कार उसकी कार के पीछे लगा ली और काफी दूर तक उसका पीछा करते रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार उसे रोकने की कोशिश भी की। गौरतलब है कि विकास बराला LLB का स्टूडेंट है और उसका साथी LLB पास कर चुका है। मामले की जानकारी देते हुए DSP सतीश कुमार ने बताया कि पीड़िता ने 100 नंबर पर छेड़छाड़ की शिकायत की थी। कंट्रोलर रूम पर शिकायत मिलने पर तुरंत पुलिस हरकत में आ गई और दोनों आरोपियों को 26 सेक्टर ट्रांसपोर्ट चौक से पीछा करने के दौरान ही घेर कर गिरफ्तार कर लिया। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके साथी शराब के नशे में चूर में थे। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गई और छेड़छाड़ करने सहित शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया।